हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे मीट डिज़ायर चैनल पे। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन पे दबाना ना भूलें ताकि नई वीडियोस के अपडेट आपको मिलती रहे। आज हम बात करेंगे त्रिकोणमिति सर्वसर्मिकाएँ के बारे में, फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ के बारे में। फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ तीन होती हैं। सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है। अब इसकी और दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तीसरी होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये तीन फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ हैं, त्रिकोणमिति सर्वसर्मिकाएँ हैं। अब इस तीन हैं, अब इसमें देखिए हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहली वाली को आप देखिए कैसे हम लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा इसको यहीं पर रखते हैं, इसको उस तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ पे पहले से ही वन लिखा हुआ है और ये प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा जब उधर जाएगा बराबर के उस तरफ जाता है प्लस का निशान तो उधर माइनस में हो जाता है, तो यहाँ पे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसी तरीके से कॉसेक स्क्वायर थीटा को यहीं पे रोकते हैं, वन पहले से यहाँ है वन हो जाएगा, जब ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा जब उस तरफ जाएगा तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए एक फंडामेंटल आइडेंटिटी से हमने ये फार्मूले हैं और इससे निकलते रहते हैं फार्मूले, ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूले से ही फार्मूले निकलते रहते हैं, ठीक है। अब जैसे ये हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा है। जब ये वन को इस तरफ लाएंगे ये प्लस का है तो इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाता है और इधर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन हो गया। अब इसी तरीके से सेक स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा लिखा, टेन को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और यहाँ पे वन हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन हो गया। अब कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा जब वन है इसको इधर लाएंगे तो माइनस का वन हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का है, जब इक्वल टू के उधर जाता है तो माइनस का हो जाता है और ये कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से कॉट स्क्वायर थीटा को जब उस तरफ लेकर जाएंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा है, जब उस तरफ जाएगा तो माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन हो जाएगा। अब इस तरीके से देखिए, एक तो ये हो गया, तीन निकल आए। अब ये सब फार्मूले हैं, आगे क्वेश्चंस में लगते रहेंगे, जब आगे हम नई वीडियोस में क्वेश्चंस लगाएंगे तो इसका यूज़ आएगा। और अब अगली नेक्स्ट वीडियोस में हम ये देखेंगे इसकी प्रूविंग, इसके प्रूव कैसे करते हैं, इसको सिद्ध करके दिखाएंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।